बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DPS स्कूल एंड कॉलेज सहिवाल। आई एम हाफिज़ा फ़ाइज़ा खुर्शीद, SS बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ओजोन लेयर डिप्लीशन, हम डिस्कस करेंगे आज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट इस लेक्चर को सीखते हुए जो चीज़ लर्न करेंगे उसमें है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन। चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को। अ लेयर ऑफ एटमोसफियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर अबव आवर प्लैनेट अर्थ, which filters most of the ultraviolet radiations and it protects us from these harmful rays of the sun. This layer is known as ozone layer. In pure form, ozone is bluish in color. It is very explosive and it is highly poisonous gas. Ozone molecule is made up of 3 oxygen atoms bonded together. ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती जा रही है। हम उसके रीजंस पढ़ते हैं कि क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द लेटेस्ट स्टडीज ऑफ ओजोन लेयर दैट ओजोन इज रैपिडली डिप्लीटिंग। द डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच कंटेन्स क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। These gases are produced from the air conditioners in our homes, offices, vehicles and operating refrigerators. As chlorofluorocarbon rises to the atmosphere, UV rays causes chlorine to release. The chlorine released destroy the ozone molecule in ozone layer. As the ozone layer becomes thinner, more UV rays from the sun are able to reach Earth. जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है बच्चों, सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे बहुत ज्यादा पहुंच रही हैं। The level of ozone in ozone layer over Antarctica has fallen drastically and has led to a hole. हमारा एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उसके ऊपर एक होल बन चुका है। द ओजोन लेयर हैज आल्सो बीन फाउंड टू डिक्रीज ओवर आर्कटिक रीजन। हमारे पोलर रीजन्स में भी ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से बहुत ज्यादा होल बन रहे हैं। इफ मोर यूवी रेज रीच टू अर्थ सरफेस, दे विल इफेक्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज इन स्किन कैंसर एंड आई डिजीजेज इन ह्यूमन। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड इवन मैरीन प्लैंकटन एंड डिस्टॉर्ट वेदर पैटर्न। ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से हमारी फसलों को भी बहुत नुकसान है, हमारे प्लांट्स को भी बहुत नुकसान है। इवन हमारे मरीन इकोसिस्टम में रहने वाले जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर हमारा जो वेदर पैटर्न है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। क्या आपको पता है बच्चों कि एक सिंगल क्लोरीन का एटम रिएक्ट कर जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के साथ और वो डिस्ट्रॉय कर देता है एज मैनी एज 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स। इतनी खतरनाक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर मुसलसल डिप्लीट हो रही है। चले बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ आगे एक ग्रीन हाउस का, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। आपको इस स्लाइड पे एक ग्रीन हाउस दिखाया जा रहा है। ये एक ग्लास का बना हुआ हाउस है, इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स ग्रो करवाए गए हैं और इसके अंदर का टेम्परेचर प्लांट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। सन से आने वाली रेज इसके अंदर एंटर हो रही हैं बट ड्यू टू द ग्लास शीट वो बाहर निकल नहीं सकती, जिसकी वजह से इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं
और अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इट लिटरली मीन्स कि जो ग्लास की शीट है ये सन रेज को अंदर आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड सॉइल एंड आर देन रीरेडिएट एज लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस। द ग्लास डज नॉट परमिट दीज रेज टू एस्केप आउटसाइड एंड सो हीट रिमेन्स विद इन द ग्लास ग्रीन हाउस। यहाँ तक अभी जो मैंने बात की है ये वही ग्रीन हाउस की बात की है कि जो ग्लास है, शीशा होता है, वो सन रेज को अंदर आने तो देती हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेव इंफ्रा रेड रेडिएशंस। सो अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। अब आप देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको हम कहते हैं। हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी है जो कि ग्लास की तरह बिहेव करती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर सन से आने वाली रेज को अंदर एंटर तो होने देती हैं लेकिन बाहर दोबारा री रेडिएट नहीं होने देती। उस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनने को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव्स लाइक ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस, एब्जॉर्ब द सन एनर्जी बट डू नॉट अलाउ इट टू एस्केप आउटसाइड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ भी बच्चों आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया गया है। This is greenhouse effect. Some sun rays that hits the earth is reflected, some becomes heat. कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आपको दिखाई जा रही है और बहुत सारी इसमें गैसेज और भी मिक्स होती हैं, वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को और आपकी अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं। चलें बच्चे अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। ओवर अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन हमारे पास ये तीन ही कॉजेज हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, विच इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ एंड नाउ बीइंग टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम पूरी अर्थ की टेम्परेचर हाई होने को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। This may lead to rapid melting of ice caps and glaciers, bringing floods and path of major air and ocean currents, drastically affecting the global weather condition. Global warming ज़्यादा होने की वजह से हमारे glaciers और ice जितनी भी हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, air की movements और ocean currents सब change हो रहे हैं और overall इस पूरी ग्लोबल का वेदर पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज विच प्रिवेंट हीट टू एस्केप आउट ऑफ देम। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है बच्चों जिसमें एयर पोल्यूटेंट्स दिखाए गए हैं आपको, उनके सोर्सेज दिखाए गए हैं और उनके बड़े हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे दिखाए गए हैं। चले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारे पास इसके सोर्सेज में आते हैं एरोसोल स्प्रे फॉर्म्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और रेफ्रिजरेटर्स, ये इसके सोर्सेज हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में आते हैं थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सोर्स है पावर स्टेशंस एंड फोसिल फ्यूल्स। जितने ज़्यादा फोसिल फ्यूल्स बर्न होंगे उतनी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसकी वजह से भी बच्चों जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं उसमें एसिड रेन है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं और लंग कैंसर आता है। फिर लेड कंपाउंड्स हैं जिनके सोर्सेज हैं कंबशन ऑफ लेडेड पेट्रोल और ऑयल, जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और फॉरेस्ट डिक्लाइंस हो रहे हैं। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि फॉसिल फ्यूल बर्न होने की वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, हेडेक एंड कफ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं।
लास्ट हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोनेट्स एंड कार्बन कंपाउंड्स की वजह से रिलीज होता है, प्लस सिगरेट और स्मोक की वजह से भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इसकी वजह से हेडेक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, ब्रेन डैमेज हो जाता है और इवन डेथ हो सकती है। चलें बच्चे, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश होती कैसे है, बनती कैसे है और इसके क्या असरात हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिटेड इन द एयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंबाइंड विद वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग एसिड्स। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है तो वाटर वेपर्स के साथ मिक्स हो जाती है, जैसे कि आपको इक्वेशन में दिखाया जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है जब ये वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं। इसी तरह जब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और सल्फ्यूरिस एसिड बनाती है। डेज लेटर एंड ऑफन हंड्रेड और थाउजेंड्स किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स द एसिड फॉल आइदर डिजॉल्व इन रेन और इन माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स वी कॉल्ड एसिड रेन। जब काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी किलोमीटर दूर यही सारे पार्टिकल्स दोबारा ज़मीन पे गिरते हैं रेन की फॉर्म में, तो या तो वो बारिश की फॉर्म में गिरेंगे या वो ड्राई पार्टिकल्स की फॉर्म में गिरते हैं, हम उसको फिर एसिड रेन कहते हैं और ये बहुत ख़तरनाक तेजाबी बारिश होती है। यहाँ अब जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है एसिड रेन का, एक पाथवे आपको दिखाया गया है। सबसे पहले नंबर वन अगर आप गौर करें तो बहुत सारे व्हीकल्स के अंदर से और इंडस्ट्री के अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इंडस्ट्री के अंदर से बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। नंबर टू पॉइंट पर अगर आप देखें तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर वेपर्स के साथ मिक्स हो रही है। और अगर आप देखें पॉइंट थ्री पे कि वही वाटर वेपर्स थाउजेंड्स और हंड्रेड्स किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सोर्स वो अब बरसना शुरू होगी तो वो एसिड रेन होगी। और अगर आप यहाँ पे नोट करो बच्चों तो वो गिर रही है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर और इवन एक्वाटिक वाटर में जा रही है, जिसकी वजह से आपकी सॉइल, आपके प्लांट्स और आपकी एक्वाटिक लाइफ सारी डिस्टर्ब हो गई है, बल्कि डिस्ट्रॉय हो गई है, बल्कि जितनी पानी के अंदर एक्वाटिक लाइफ है वो सारी की सारी उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। ये भी आपको एक रीजन बताई गई है कि एसिड रेन क्यों होती है। चले अब हम आगे देखते हैं कि एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। एसिड रेन डैमेजेस लाइफ इन लेक्स, फार्म्स एंड फॉरेस्ट्स। एसिड रेन ड्रेनिंग थ्रू सॉइल वॉशेज आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम एंड पोटेशियम। जब तेजाबी बारिश गिरती है तो वो आपके सॉइल के अंदर से एसेंशियल मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स को बहा कर ले जाती है, जैसे कि कैल्शियम और पोटाशियम। ये प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं लेकिन एसिड रेन की वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं। इट ऑल्सो किल्स डीकम्पोजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स पॉइजन्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिकम वीक एंड वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट अटैक। स्टोन मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल आर बीइंग इरोडेड ड्यू टू स्किन कैंसर बाय एसिड रेन। बच्चों हमारे मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया के अंदर एक ताजमहल है, उसके ऊपर एसिड रेन जब गिरी तो उसकी वजह से इसको स्किन कैंसर हो गया था। वो मॉन्यूमेंट इस वक्त तबाह होने की कंडीशन में है। अब हम स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटी इज द मेन कॉज टू पोल्यूट कैनाल, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सी वाटर। This polluted water affects the living organism in it and directly or indirectly also human. अगर हम sources देखें water pollution के तो sewage incomplete treatment, untreated sewage must not be emptied into rivers.
Sewage water contains harmful bacteria and poisonous chemical. Certain bacteria causes diseases like typhoid and cholera when they get into human intestine. अगर हम water pollute किया हुआ पी लेंगे तो हमारी body में बहुत सारे harmful bacteria enter हो जाएंगे, वो poison create करेंगे, हमें बहुत सारी diseases हो सकती हैं जिसमें most common diseases typhoid है और cholera है. Oil and detergents. Oil pollution of the sea has become a familiar event to kill life in water and life dependent on aquatic producers. Various detergents also enter into water from houses and laundries to pollute it with various harmful effects. Some detergents contain a lot of phosphate. हम जितने घर में detergents use करते हैं जिसमें washing powder आ जाता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है. दिस इज़ नॉट रिमूव्ड बाय सीवेज ट्रीटमेंट एंड इज डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स. द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इनकरेजेस ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. डेफिनेशन आई थी तो फॉस्फेट की वजह से माइक्रोस्कोपिक प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, हम इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं. चले बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं यूट्रोफिकेशन और अल्गल ब्लूम है क्या. ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. सबसे पहले बात तो हमें ये समझने की है कि यूट्रोफिकेशन इज एक्चुअली अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रोज इन द वाटर. बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट होने की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिक मटीरियल ज़्यादा होने की वजह से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं. Lakes slowly develop large concentration of aquatic plants which eventually decays. Human activities have speeded up this process by adding mineral organic nutrients in large quantities would provide excreta phosphate from washing powder and nitrates and phosphate from fertilizers. अब actually ये एक natural process है जो बहुत slow होता है जिसकी वजह से algal bloom हो जाता है, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी ने इस प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर दिया है. आपके पास घर के अंदर जो वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर से जो एक्सक्रीट निकलता है वो है फॉस्फेट, और फर्टिलाइजर्स के अंदर से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट रिलीज होते हैं. ये फॉस्फेट और नाइट्रेट अलगल ब्लूम के प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर रहे हैं. Vast quantities of algae feed and reproduce on these nutrients, causing water to turn green with algal bloom. The dead algae are decomposed by aerobic bacteria, which deplete the water oxygen content, causing death of aquatic animals through oxygen lack. जब algae की death हो जाती है surface के ऊपर तो वो ना तो sunlight को नीचे गुजरने देती है और ना ही oxygen को गुजरने देती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ नीचे होती है वो सारी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट उनकी डेथ हो जाती है. इट अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड इन सी वाटर बोथ डिवेलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल. अब डेथ होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही अनप्लेजेंट और फाउल स्मेल और कलर आ जाता है. ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक. अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ. आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक. आपने इनका आंसर अपनी नोटबुक पे लिख के चेक करना है. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल्स. अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो इसका बहुत ही आसान सवाल है और आपको बहुत जल्दी माइंड में क्लिक भी कर जाएगा. दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड. फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑयल ऑन वाटर पोल्यूशन. फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट एटलीस्ट फोर इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. आपको बहुत ज्यादा एसिड रेन के इफेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, आपने उनमें से कोई से चार जो आपके जहन में आ रहे हैं वो लिखने हैं.
लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे कि डिस्कस यूट्रोफिकेशन, पूरा प्रोसेस आपने लिखना है कि ये नेचुरल प्रोसेस है तो कैसे है, और अगर अगर ह्यूमन एक्टिविटी इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रही है तो वो क्यों कर रही है और कैसे हो रही है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। ये सारे असाइनमेंट बच्चों आपने लेक्चर को सुनते हुए करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया है। थैंक यू।